गाइज वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज तामे यादव। आई होप आप अच्छे होंगे। ओके सो गाइज, टाइटल से तो आप सभी लोग समझ गए होंगे वीडियो किस चीज़ पर है। येस गाइज, इस वीडियो में मैंने 10 रुपीज़ के प्रोडक्ट को यूज़ करके अपना क्लीन अप करा है। गाइज 10 रुपीज़ के प्रोडक्ट को यूज़ करके क्लीन अप करा है, और एवं कोई प्रोडक्ट नहीं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट मैंने यूज़ करे हैं। गाइज वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, हिट द लाइक बटन एंड डू कमेंट। गाइज ये क्लीन अप की वीडियो मैं इसलिए लेके आई क्योंकि अभी कुछ मंथ बाद फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है और वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है। गाइज नवरात्रि है, दशहरा है, दिवाली है, और उसके बाद फिर भैया दूज, कितना सब कुछ है। उसके बाद फिर वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है। आई होप आपके दोस्तों की, रिश्तेदारों में किसी न किसी की शादी होगी। गाइस कब तक पार्लर में भागते रहोगे, कब तक पार्लर में भागोगे? इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि आपको पार्लर के ज़्यादा चक्कर ना लगाने पड़े और कुछ पैसों में आपका क्लीनअप घर पे आराम से हो जाए। और गाइज ये वीडियो टीनेजर्स जो है, जो कॉलेज गोइंग वाले हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि उनको एक अमाउंट मिलता है पॉकेट मनी का, जिसमें उनको अपना पूरा मंथ भी निकालना होता है और अपना उनको मतलब स्किन केयर हेयर केयर भी करना होता है। गाइज ये वीडियो बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा उनके लिए यूज़फुल होने वाली है क्योंकि वो उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी ये वीडियो कि कैसे आप कुछ पैसों में अपना अच्छे से क्लीनअप कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले मैं अपने बाल बांध रही हूँ क्योंकि बाल बांधना बहुत ज़रूरी, इतनी गर्मी हो रही है और मुझे अपना क्लीनअप करना है, इसलिए बाल बांधती हूँ। और गाइस आज हम लोग कुछ ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे क्लीनअप में। फेस वॉश करेंगे, मैं यहाँ पे, मेरे पास दो ऑप्शन है फेस वॉश में, हिमालय का फेस वॉश है और क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश है। गाइस 10 रुपीज़ का कोई फेस वॉश मुझे मिला नहीं, ये भी हिमालय का है, ये 15 रुपीज़ का है, ये 25 का है। गाइस पर्सनली जो मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ वो मैं ये करती हूँ, ये मैं फेस वॉश डेली में यूज़ करती हूँ। ये मैं वीडियो के लिए कर रही हूँ, लेकिन जो कॉलेज गोइंग गर्ल है वो ये यूज़ कर सकती है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब इससे नहीं होगा, अच्छा ये भी फेस वॉश है, मैंने अपने टीनेजर टाइम में इसको भी यूज़ करा है, बट अब मैं इसको यूज़ करूँगी और कि ये कैसे वर्क करता है। वेट, ज़्यादा निकल गया। गाइस फेस वॉश डन, अब हम लोग करेंगे क्लिनजिंग। गाइस फेस वॉश आपने करा हो चाहे ना करा हो, फेस पे क्लिनजिंग तो करना ही करना है। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रॉ मिल्क। गाइस मिल्क सबके घर में मिल जाता है, तो रॉ मिल्क यूज़ करना है, कच्चा दूध यूज़ करना है। और अगर आपके घर में ना हो तो 10 रुपये का दूध का पैकेट मिलता है, आप उसको ला के, सिर्फ आपको 1.5 स्पून चाहिए होगा, बस आप उससे अपना फेस क्लीन कर सकते हैं। सो ये रॉ मिल्क है, मैंने इसमें कॉटन ऐड करा एंड क्लिनजिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब फेस वॉश करके आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हम लोग करेंगे स्क्रब। आई हैव टू ऑप्शन फॉर स्क्रबिंग। सो ये है हिमालय प्योरीफाई नीम फेस स्क्रब और 100% नेचुरल एक्सफोलियंट, 10 रुपीज़, 10 रुपये का है और 8 ग्राम इसमें प्रोडक्ट है। और नेक्स्ट है एवर यूथ नेचुरल एक्सफोलिएटिंग वॉलेट स्क्रब, रिमूव ब्लैक हेड एंड डेड स्किन। गाइज ये 10 रुपीज़ का है और ये 15 रुपीज़ का है, 5 रुपये ज़्यादा। तो हम लोग की ये वीडियो तो 10 रुपये की है, मतलब 10 रुपये की, 10 रुपये के प्रोडक्ट को यूज़ करना है तो हम लोग इसी को यूज़ करेंगे। सो स्क्रब यूज़ कर रहे हैं, हिमालय नीम फेस स्क्रब। गाइस ये हम लोग के फेस पे जो डेड स्किन सेल्स है और इम्प्योरिटी है, हम लोग बाहर जाते हैं, जितनी भी डस्ट जो होती है हम लोग के फेस पे आके बैठ जाती है, जम जाती है, जो पोर्स ओपन होते हुआ वो ब्लैक एंड वाइट हेड कर देती है। गाइस ये उनको रिमूव करेगा और जो डेड स्किन है उसको भी रिमूव करेगा और अच्छा ग्लो प्रोवाइड करेगा।
सो लोग अच्छे से पूरे फेस पे स्क्रब करेंगे, स्पेशली नोज़ का ये जो एरिया होता है जहाँ पे ब्लैक हेड एंड वाइट हेड हो जाते हैं, यहाँ पे तो बहुत ध्यान से करना है। ओके, सो आइस पे नहीं करना है क्योंकि इनमें बहुत छोटे छोटे ये पार्टिकल्स होते हैं गाइस, ये पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी आइस में अगर चले गए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आँखों का ही पार्ट को दूर रख के नोज़ और चिन एंड हेड फॉरहेड यहाँ पे कर सकते हैं। सो स्क्रब करते हैं। गाइज हम लोग का फोर्थ पार्ट है स्टीमिंग। हम लोग को स्टीम लेना ही, अगर हम लोग कोई भी क्लीन अप करेगा एंड स्टीम लेना तो बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग स्टीम लेंगे। स्टीम लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गाइज हम लोग के जितने भी ओपन पोर्स होते हैं जहाँ पे डस्ट और जितनी भी गंदगी बैठ जाती है चेहरे पे, वो हम सबको ये रिमूव करती है स्टीम। और गाइज ये डीप क्लीन करती है, डीप हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है और प्रमोट सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करती है एंड इट्स इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्लीन अप। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है गाइज, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है क्लीन अप का, स्टीमिंग गाइज। बहुत रिलैक्स्ड फील होता है स्टीम करने से, लेने से। अगर आपके यहाँ स्टीमर नहीं है तो आप किसी भी पतीली में पानी गर्म करके ले सकते हो, जितना बेयर कर सको उतनी अगर स्टीम हो तो, ज़्यादा नहीं कि पता चले चेहरा ही जला लो। नेक्स्ट स्टेप है पैक। पैक लगाऊंगी मैं, यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हिमालय का प्योरीफाई नीम फेस पैक, नॉर्मल टू ऑयली स्किन और ये भी 10 रुपीज़ का है गाइज। आप यहाँ पे पैक भी यूज़ कर सकते हो, पील ऑफ मास्क भी लगा सकते हो, एवर यूथ का पील ऑफ मास्क आता है वो भी आप लगा सकते हो, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे 10 रुपीज़ का मिला नहीं कहीं, तो मैं यहाँ पे यही यूज़ कर रही हूँ और ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, देखते हैं कैसा होता है। पैक मैं यहाँ पे लगा रही हूँ गाइस, ये मैं सीरियसली फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ पैक। मैंने इससे पहले ये पैक, मतलब पैक तो बहुत लगाए पर ये पैक नहीं लगा रहा है गाइस। ये कुछ ऐसा स्मेल कर रहा है जैसे इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी हो, शायद है भी नीम है, नीम है इसके अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि पैक लगाना क्यों ज़रूरी होता है, यही सोच रहे हो ना गाइस। पैक लगाना इसलिए ज़रूरी होता है, पैक मैं यहाँ पे लगा रही हूँ गाइस, ये मैं सीरियसली फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ पैक। मैंने इससे पहले ये पैक, मतलब पैक तो बहुत लगाए पर ये पैक नहीं लगा रहा है गाइज। ये कुछ ऐसा स्मेल कर रहा है जैसे इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी हो, शायद है भी नीम है, नीम है इसके अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि पैक लगाना क्यों ज़रूरी होता है, यही सोच रहे हो ना गाइस। पैक लगाना इसलिए ज़रूरी होता है, इट कंट्रोल एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया। कोई भी पैक हम लोग को क्लीनअप के टाइम, ये मैं ये नहीं कह रही कि यही लगाना है, कोई भी पैक जो आप यूज़ करते हो वो भी लगा सकते हो, पर लगाना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग को इतना बाहर जाना होता है, बाहर इतना काम होता है कि जितने भी डस्ट है वो सब फेस पे ऐसे आके बैठ जाती है जैसे है उसका घर हो। तो ये सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए करना पड़ता है। तो इट प्रोवाइड्स
प्रॉब्लम फ्री स्किन। सो इस वजह से यूज करना चाहिए, और जब 10 रुपए का है तो यूज करके देख लो ना, 10 ही रुपए तो जा रहे हैं, कौन से बहुत महंगा है। लेकिन गाइस सीरियसली बताऊँ, मेरे चेहरे पे ना हल्की सी ऐसी सेंसेशन सी फील हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो ये लगा लिया, इसको हम लोग को 10 मिनट्स तक अपने फेस पे रखना है, 10 मिनट्स तक रखना है, और वरना ड्राई होने का तो इंतज़ार करना ही करना है। इसको सूखने का इंतज़ार करते हैं। गाइस पूरा फेस पैक जो है वो सूख गया है, और मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है। तो इसको हम लोग फेस वॉश करके आते हैं और फिर देखते हैं। मैं आती हूँ फेस वॉश करके। स्किन कितनी क्लियर हो गई है ना, और सिर्फ 10 मिनट। हम लोग करेंगे चेहरे को मॉइस्चराइज, और मेरे पास 2 ऑप्शन हैं मॉइस्चराइज करने के लिए। एक है वैसलीन इंसेंटिव केयर डीप मॉइस्चराइजर नॉन ग्रीसी 10 रुपीज़, और ये है जॉय स्किन फ्रूट मॉइस्चराइजिंग स्किन क्रीम विथ जोजोबा एंड आमंड ऑयल 50 ml 10 रुपीज़। तो ये यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि ये मैंने पहले यूज़ करा है। ये बॉडी लोशन भी अच्छा वर्क करता है और मॉइस्चराइज भी करता है, पर ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ जॉय के। गाइस मैं जब अपने स्कूल में थी तो ये जो जॉय वाले हैं ये मेरे स्कूल में प्रमोशन करने आए थे अपने ब्रांड का, और मैंने उसमें पार्टिसिपेट भी करा था। कोई चीज़ को वेस्ट नहीं करना है, इसमें लगा हुआ था तो क्या फेंक देती, क्यों भाई पैसे से आया, मैंने लगा लिया। देखते हैं, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ कैसा है, फिर आपको रिव्यू देते हैं। नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। 10 रुपये में क्या चाहिए यार, वो कितनी अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है यार। मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। सो स्किन अप इज डन एंड लुक एट द स्किन। इंस्टेंट होम मेड सीरम मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, वैसलीन जो 5 रुपए की, और विटामिन ई कैप्सूल जो 4 रुपए का मिलता है, 5, 4, 9, 1 रुपये बच रहा है। सो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वैसलीन, बहुत थोड़ी सी इतनी, और विटामिन ई आपको 3 से 4 ही ड्रॉप डालनी है, पूरी कैप्सूल नहीं डालनी है, क्योंकि वो 3 से 4 ही ड्रॉप में। गाइज़ ये होममेड सीरम ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोग यूज़ करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइज मुझे तो बहुत पसंद है और मैं यूजली ये यूज़ करती हूँ, और ये अगर आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने हैं तो आप रात में अपना फेस वॉश करिए और ये थोड़ी सी वैसलीन 3 to 4 ड्रॉप विटामिन ई कैप्सूल लगा के बस सो जाइए, मज़ा आ जाएगी अगली सुबह। सो अब हम लोग लिप्स पे कुछ ईवा का फ्रेश लिप मॉइस्चराइजिंग लिप बाम ग्रीन एप्पल विथ विटामिन ई एंड
कोको बटर, और वैसलीन भी आप लगा सकते हो, बट वैसलीन हम लोगों ने अभी यूज़ कर ली है, तो अब हम लोग ये यूज़ करेंगे ईवा का लिप बाम। ओके सो गाइस, क्लीन अप डन, और आप आई होप आपने पूरी वीडियो एंजॉय करा होगा। गाइस अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा या ज़रा सा भी आपके लिए यूज़फुल रही तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, हिट द लाइक बटन एंड डू कमेंट, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ के ऊपर देखना चाहते हैं। अगर आप कमेंट करोगे कि 100 रुपीज़ प्रोडक्ट क्लीनअप चाहिए तो गाइस मैं ज़रूर लेके आऊँगी, आपको बस कमेंट करने की देर है। सो गाइज आई होप आपने वीडियो एंजॉय करा होगा। गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना, वीडियो लाइक करके जाना, एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।